हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास ये चार स्पीकर वाला ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसमें ये बटन टूट गया है ऑन ऑफ का। ये सर्किट में जो चार बटन लगे हैं उसी में से एक बटन टूट गया है जो ऑन ऑफ का है। वही वहाँ फ्रेम में से भी टूट गया है, क्योंकि किसी ने शायद जोर लगा दिया है। ये सर्किट में लगे वही बटन मार्केट में भी मिल जाते हैं, पर हम उसकी जगह पे ये सगड़ी और सब में लगता है वो बटन हम लगाएंगे, क्योंकि फ्रेम में से भी टूट गया है। चलो मैं लगा के दिखाता हूँ। बटन के लिए दो वायर के कनेक्शन बाहर निकाल लेंगे। एक के जो ग्राउंड में से जो अर्थिंग है वहाँ से भी हम ले सकते हैं, वहीं से एक वायर ले लेंगे। और दूसरा वायर है उसकी लाइन जो टूट गई है, वहाँ से ये सीधी वहाँ पर आ रही है और वहाँ से दूसरी तरफ जा रही है गाइस, ये देख सकते हो। वहीं पे हमारा एक वायर लगा देंगे। और गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, इस तरह की लाइनों वाइनों के बारे में कुछ जानना हो तो। वहीं पर अच्छे से एक वायर लगा देंगे और अब फिट कर देंगे, और दो वायर ये बाहर निकाल लेंगे और वो दो बटन में लगा देंगे। आरडी टेलीनेट ये देख सकते हो गाइस, जो वायर हमने साथ में किए तो अंदर पावर भी आ गया है, कंप्लीट स्टार्ट हो गया है। चलो अब इसे फिट कर देते हैं। चलो गाइस, हमने अब ये फिट कर दिया है और जो जो हमने वायर बाहर निकाले थे वो वायर के कनेक्शन कर देंगे बटन के ऊपर, जो हम बटन नया लगाएंगे उसके ऊपर। ये बटन पे हमने कनेक्शन कर दिया है। ये देख सकते हो गाइस, बटन को प्रेस करने पे कंप्लीट हमारा स्टार्ट हो गया है ब्लूटूथ स्पीकर। अब चलो ये बटन के अंदर फिक्स कर देते हैं। ये देख सकते हो गाइस, हमने ऊपर ही बटन को अच्छे से ग्लू की मदद से चिपका दिया है, और ये बटन को प्रेस करने पे ये देख सकते हो कंप्लीट चालू हो गया है। दूसरी बार अगर प्रेस करके थोड़ी देर रखोगे तो ये बंद हो जाएगा। चलो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलो।